हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। शेखी, क्या हाल है आपके? बस जैसे नजर आ रहा हूँ। मतलब अच्छे है ना? हाँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है शेखी, आपके शुमार उन खुशकिस्मत फनकारों में होता है कि जिन्होंने अपने इब्तदाई गीतों से ही शोहरत और इज्जत वो बुलंदी हासिल कर ली कि जिसका कि दूसरे फनकार सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं या बरसों इंतजार करते हैं। आपने अपने स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन किया है? वो इस तरह के अंग्रेजी में कहते हैं, यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो उर्दू में इसका मतलब है कि जिस वक्त मुझे जहां होना चाहिए था मैं वहां मौजूद था। और शो बिजनेस में ये चीज़ बहुत अहमियत का मालिक है और उसकी मेहनत तो सभी करते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, बल्कि बहुत सेक्रीफाइसेस भी दिए और बड़ा रेडिक्यूल भी किया गया मुझे, मगर मैं लगा डिवोशन बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है और था, है और रहेगा। मैंने मेहनत भी की और मैंने एनालाइज भी किया शो बिजनेस को कि इस वक्त क्या हो रहा है, व्हाट इज द ट्रेंड, और मैं किस तरह ब्रेक थ्रू किस तरह कर सकता हूँ। आई हैव टू फाइंड समथिंग डिफरेंट। मुझे कोई तब्दीली के साथ आना पड़ेगा जब जाके मैं कोई मकाम पैदा कर सकूँगा। तो मैंने काफ़ी एनालाइज करने के बाद मैंने ये सोचा कि जो वेस्टर्न म्यूजिक का जो लाइट पोर्शन है, स्लो पोर्शन और मेलोडियस पोर्शन है, उसको अपने ईस्टर्न म्यूजिक के मेलोडियस पोर्शन और लाइट पोर्शन से मिला के ब्लेंड करके एक नई मौसीकी का एक तरह से इख्तरा किया जाए। मैं कोई इख्तरा करने वाला नहीं हूँ, मगर वो इत्तेफाक से वो चीज़ क्लिक कर गया, वो याद कर गई और आई वॉज हिट आफ्टर वन सॉन्ग। आई वॉज हिट उन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग लोड, मतलब ये बहुत बड़ा बोझ है। उनका मतलब ये था कि अवार्ड लेने के बाद या किसी चीज में कामयाब होने के बाद और उस चीज पर अवार्ड लेने के बाद इंसान पर मजीद बोझ डाला जाता है, चूंकि उसको उससे भी बढ़कर अच्छा काम करना पड़ता है जब जाके वो मेंटेन रहता है। जिंदा है तुमसे बिछड़ कर, जिंदा
शेकी आप का एक गीत है और वो इतना पॉपुलर गीत है, टीवी का एक फेस्टिवल हुआ उसमें वो भेजा गया, उसमें फोक भी है और पॉप भी है, अल्लन फकीर के साथ आपने गाया था अल्लाह अल्लाह कर भैया, हुमा हुमा प्यारी, अल्लाह ही से डर भैया, वो जो फेस्टिवल में आपका फोक गीत गया था अल्लाह अल्लाह कर भैया, वो हमारी मौसीकी की दुनिया में एक बहुत अच्छा चेंज था, एक नई चीज लोगों को देखने को मिली। ये गाना बहुत अच्छा गाना था, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, मगर ये कि वहाँ जो हो रहा था वहाँ कुछ और हो रहा था, तो किसी तरह ये गाना मेरे ख्याल में मिसफिट था। बहरहाल वो गाना हम लोग ने किया, आप लोगों ने देखा। मोहम्मद अली शेखी फिल्मों में गाना गा रहे हैं और वो फिल्मों में एक्टिंग भी कर रहे हैं जी, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से आपकी बहुत जल्दी वापसी हो गई? बहुत सारी और वजूहात के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी उस वक्त चल रही थी, और फिर मुझे एक ऐसा मकाम आया जहां मुझे डिसाइड करना पड़ा वेदर यू वांट टू गो देयर और देयर। मैंने सोचा नहीं, टेलीविजन ने मुझे बनाया है, मैं टेलीविजन एकेडमी है वहां मैं क्या कहते हैं पला बढ़ाऊं जो भी आप कह लें, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड इट विल बी अनफेयर एंड अनजस्ट एंड नॉट अप्रोप्रिएट टू लीव टेलीविजन एंड गो टू फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी अनसर्टन। टेलीविजन एक डिफरेंट किस्म का मीडिया है। टेलीविजन पे आप अपने हो सकता है कि उस जमाने में जो फिल्मी गाने चलते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और इसी तरह उन गानों को गाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बल्कि फिल्मों की पहचान गानों से होती थी, तो उनके बारे में सुन सुन के अच्छा। दूसरा ये कि मुझे ये भी विजन आता था कि आई एम कमिंग आउट ऑफ माई हाउस 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 बजे घर से निकल रहा हूँ, मेरे कपड़े शपड़े सब टांगे जा रहे हैं और मैं वैन में जा रहा हूँ, शूटिंग इज रेडी, बिलीव यू मी, मैं ये ख्वाब देखता था। एंड योर ड्रीम हैव कम ट्रू। सजनी तुम मत जानियो, तुम बिछड़त मह जैसे बन में लाकड़ी सुलगत हो दिन रे।
तो